ओम नमः शिवाय। आश्विन मास कृष्ण पक्ष सोमवार चतुर्दशी तिथि 11:40 तक लगी रहेगी। तत्पश्चात अमावस्या तिथि प्रारंभ हो जाएगी। चंद्रमा उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में 1:40 तक चलते रहेंगे। तत्पश्चात हस्तिनी नक्षत्र में प्रवेश कर जाएंगे। उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र के नक्षत्र स्वामी सूर्यदेव हैं। आज के जन्मे जातक सुंदर, लोकप्रिय, विद्या से लाभ अर्जित करने वाले, दयालु, अत्यंत सुशील, धैर्यवान, जितेंद्रिय और बुद्धिमान होते हैं। ऐसे जातक आत्म प्रशंसा करने वाले, साहसी, उदार हृदय वाले, राजसी शौक वाले, स्पष्ट वक्ता और स्वाभिमानी होते हैं। ऐसे जातक विद्या से लाभान्वित होने वाले, अपने कर्तव्यों का पालन करने वाले, मित्रों और संबंधियों से स्नेह रखने वाले और अभिलाषी होते हैं। यदि सहयोगी लग्न रहा, सूर्य, चंद्रमा और बुध की स्थिति अनुकूल रही तो पूर्ण सफल होंगे। दोपहर 1:40 के बाद हस्तिनी नक्षत्र कायम हो जाएगा। इसके नक्षत्र स्वामी स्वयं चंद्रमा हैं। आज पूरे दिन कन्या राशि में ही चलते रहेंगे, जिसके राशि स्वामी बुध देव हैं। पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र के चंद्रमा का दोपहर तक फल कायम रहेगा। तत्पश्चात अश्विनी नक्षत्र के चंद्रमा का प्रभाव कायम हो जाएगा। इसलिए पूरे दिन सूर्य और चंद्रमा के नक्षत्रों का मिला जुला फल प्रत्येक जातकों पर पड़ता रहेगा। सूर्य और चंद्रमा की युति आज पूरे दिन बनी रहेगी। साथ ही केतु की दृष्टि और शनि की दृष्टि चंद्रमा पर कायम रहेगी, जिससे समय समय पर आत्मविश्वास में कमी, सकारात्मक ऊर्जा का ह्रास, मन में नकारात्मक विचारों का पैदा होना संभावित है। साथ ही सरकारी सहयोग कायम रहेगा। विभागीय अधिकारियों की प्रेरणा लाभदायक सिद्ध होगी। आर्थिक पक्ष अनुकूल रहेगा। माँ के स्वास्थ्य की चिंता और आत्मविश्वास में उतार चढ़ाव बना रहेगा। जो व्यक्ति अपने पितरों का आज तक श्राद्ध दान, पिंड दान नहीं कर पाए, उनके लिए कल तक का समय है और कल की उदय तिथि अमावस्या की होगी। अतः आखिरी दिन श्रद्धा के साथ पिंडदान या श्राद्ध अवश्य करें। साथ ही साथ जिनकी कुंडली में पितृ दोष कायम है, ऐसे जातक चावल और गाय के दूध का खीर बनाकर पीपल के पेड़ के नीचे रखें। साथ में एक गिलास जल भी रखें। अगरबत्ती दिखाएं और अपनी समस्याओं के निराकरण के लिए प्रार्थना करते हुए 7 परिक्रमा करें और घर चले आएँ। पीछे मुड़कर ना देखें, आपकी अभिलाषा अवश्य पूरी होगी। मेष राशि वाले जातकों के मन में अच्छे विचारों के साथ साथ नकारात्मक भावना भी बनी रहेगी। मन को किसी एक विषय पर एकाग्र करने में परेशानी होगी। पारिवारिक सुख संतुष्टि में कमी महसूस करेंगे। मां के स्वास्थ्य के प्रति चिंता बनी रहेगी। नए काम रुक रुक कर होंगे। असंतुष्टि और उत्साह की कमी का संकेत भी मिलता है। नवीन कार्ययोजनाओं के लिए आज का दिन उचित नहीं होगा। हालांकि व्यावसायिक गतिविधियाँ चलती रहेंगी और कार्य क्षेत्र प्रभावित नहीं होगा। आर्थिक पक्ष मजबूत रहेगा। संतान संबंधी मामलों में अनुकूलता मिलेगी। अध्ययन अध्यापन में सहयोग बना रहेगा और प्रतियोगी भावना विकसित होगी। वृष राशि वाले जातकों के बौद्धिक क्षमता और शारीरिक ऊर्जा में विकास होगा। रचनात्मक क्रियाशीलता बनी रहेगी। बुद्धि चातुर्य से अपने व्यावसायिक गतिविधियों में सफल रहेंगे और आर्थिक लाभ मन मुताबिक मिलता जाएगा। अधूरे और रुके हुए कार्य संपन्न होंगे, मगर स्वास्थ्य संबंधी जटिलताएं बढ़ सकती हैं। विशेष सावधानी अपेक्षित है। संतान संबंधी अनुकूलता और शिक्षा प्रतियोगिता में सफलता संभावित है। पारिवारिक उद्देश्यों की पूर्ति होगी और खुशनुमा माहौल बना रहेगा। निजी निवेश और वैवाहिक मामलों के लिए आज का दिन अनुकूल रहेगा और अपने खर्चों को नियंत्रित करने की कोशिश करनी चाहिए। मिथुन राशि वाले जातकों की सकारात्मक कार्य ऊर्जा बनी रहेगी और रचनात्मक प्रयास सार्थक होंगे, मगर माता के स्वास्थ्य की चिंता और आर्थिक लेन देन के मामलों में ठोस और महत्वपूर्ण निर्णय सोच समझकर सावधानी से लेने चाहिए। हालांकि व्यावसायिक योजनाओं के कई अवसर सामने आएंगे। नई कार्य योजनाओं के लिए भागीदारी लाभदायक रहेगी। शिक्षा प्रतियोगिता में सफलता हासिल होगी। बच्चों से संबंधित सुखद समाचार मिल सकता है। शासन सत्ता व अधिकारियों का सहयोग बना रहेगा। आपके आध्यात्मिक ऊर्जा स्तर में वृद्धि होगी। निजी निवेश और वैवाहिक मामलों के लिए समय अनुकूल रहेगा, मगर स्वास्थ्य संबंधी आवश्यक सावधानियां रखनी चाहिए।
कर्क राशि वाले जातक शारीरिक और मानसिक स्तर पर प्रभावित हो सकते हैं। व्यावसायिक लेन देन में भी सावधानी रखें और निजी संबंधों के प्रति सावधानी अपेक्षित है। हालांकि कार्य क्षेत्र के प्रति विस्तार और विकास का संकेत मिलता है। संबंधित मामलों में आ रही अड़चनें खत्म होंगी। काम की अधिकता के साथ साथ ऊर्जा स्तर भी बढ़ा रहेगा। रचनात्मक प्रयास सार्थक होंगे। आर्थिक लाभ बना रहेगा। शिक्षा प्रतियोगिता में सफलता मिलेगी, मगर संतान पक्ष से चिंता संभावित है। निजी निवेश के लिए आज का दिन अनुकूल रहेगा, मगर स्वास्थ्य के साथ ही साथ अपने कार्य क्षेत्र से संबंधित सावधानी बनाए रखें और वाहन सावधानी से चलाएं। सिंह राशि वाले जातकों को धन संबंधी मामलों में सहयोग मिलेगा और आर्थिक लाभ के नए अवसर प्राप्त होंगे। उत्साह और कार्य क्षमता में वृद्धि होगी। अधूरे या रुके हुए सरकारी कामकाज पूरे होंगे। नई कार्य योजनाओं के प्रति आपकी सक्रिय सोच जारी रहेगी। मित्रों से सहयोग व आर्थिक लाभ बना रहेगा, मगर बात बात पर गुस्सा आना, अनावश्यक उतावलापन और वाणी में उग्रता भी संभावित है। बच्चों और पारिवारिक मामलों में सुख और संतुष्टि मिलती रहेगी। विद्यार्थियों के लिए आज मेहनत वाला दिन है, साथ ही ये अनावश्यक वाद विवाद इत्यादि का संकेत भी मिलता है। सावधानी अपेक्षित है और किसी समारोह में शामिल होने का मौका मिलेगा। कन्या राशि वाले जातक ऊर्जावान महसूस करेंगे और सक्रियता बनी रहेगी। आर्थिक लाभ मन मुताबिक मिलता रहेगा। व्यावसायिक योजनाओं में साझेदारी सफलता दिलाएगी। मित्रों और सहयोगियों से भी लाभ संभव है। कार्य क्षेत्र में स्थायित्व विकास होगा। बड़े निवेश के लिए आज का दिन अनुकूल है। शिक्षा प्रतियोगिता में मेहनत करनी पड़ेगी। वैवाहिक मामलों के लिए आज का दिन अनुकूल रहेगा। निजी संबंध प्रगाढ़ होंगे और स्वास्थ्य संबंधी आवश्यक सावधानी बनाए रखें, मगर आर्थिक निवेश और व्यापारिक लेन देन में सावधानी अपेक्षित है। तुला राशि वाले जातकों के आर्थिक मामलों में व्यय की स्थिति, अनचाही यात्रा और अपने घर गृहस्थी पर खर्च की स्थिति बनी रहेगी और यदा कदा मन में नकारात्मक विचारों का उतार चढ़ाव भी संभावित है, मगर शासन सत्ता व अधिकारियों का सहयोग बना रहेगा। आर्थिक लाभ मेहनत के अनुसार मिलता जाएगा। व्यावसायिक योजनाओं में अचानक विवाद या रुकावट की संभावना बनती है। परिस्थितियों के अनुसार माहौल को सुलझाने की कोशिश करनी चाहिए। संतान व शिक्षा प्रतियोगिता में अनुकूलता बनी रहेगी और निजी निवेश के लिए आज का दिन अनुकूल रहेगा। वृश्चिक राशि वाले जातकों की आय संबंधी संसाधनों की वृद्धि होगी और कार्य क्षेत्र के उत्थान की प्रवृत्ति बनी रहेगी। अपने आप में ऊर्जावान महसूस करेंगे और आध्यात्मिक प्रेरणा का योगदान मिलेगा। पारिवारिक दायित्व की पूर्ति होगी। खान पान और जीवन स्तर में सुधार और घर परिवार के विकास पर ध्यान आकर्षित होगा। व्यावसायिक योजनाओं की निरंतरता बनी रहेगी। आर्थिक लाभ सामान्य रहेगा। अध्ययन अध्यापन में सहयोग मिलता रहेगा। बच्चों के मामलों में व्यय की स्थिति बनी रहेगी, मगर बनते हुए कामों में अचानक रुकावट, स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां और आर्थिक नुकसान भी संभावित है। संबंधित मामलों में सावधानी बनाए रखें। धनु राशि वाले जातकों के कार्य क्षेत्र को सुचारू ढंग से चलाने की प्रवृत्ति बनी रहेगी व नई कार्य योजनाओं के विस्तार में सहयोग मिलेगा, मगर कुछ कामों में रुकावट और स्वास्थ्य के प्रति चिंता का संकेत मिलता है। वाहन सावधानी से चलाएं। व्यावसायिक योजनाओं की जटिलता आप अपने बुद्धि कौशल और मेहनत के बल पर सुलझाने में सफल रहेंगे। साझेदारी सफल रहेगी। भावनात्मक उत्तेजना कायम रहेगी, फिर भी प्रतिकूल माहौल को अपने अनुसार करते जाएंगे। सहयोगियों से वाद विवाद संभावित है, मगर आय संबंधी मामलों में सहयोग जारी रहेगा। अध्ययन अध्यापन में सफलता मिलेगी और प्रयास सार्थक होंगे। मकर राशि के जातकों के ऊर्जा स्तर और आत्मविश्वास में वृद्धि होगी। कार्य क्षेत्र की जिम्मेदारियां पूरी होंगी। आर्थिक लाभ सामान्य रहेगा। नई योजनाओं में निवेश, मगर साझेदारी के कामों में रुकावट संभव है। हालांकि संबंधित मामलों में उचित दिशा निर्देश मिलता रहेगा। निजी सुख में कमी, स्वास्थ्य संबंधी जटिलताएं, घर गृहस्थी में अनावश्यक वाद विवाद और भ्रम की स्थिति भी पैदा हो सकती है। अनुकूल माहौल और सामंजस्य बनाकर रखना चाहिए। वैवाहिक मामलों के लिए आज का दिन अनुकूल रहेगा। विद्यार्थियों को मेहनत करनी पड़ेगी और देव दर्शन के योग बनते हैं। कुंभ राशि के जातकों के लिए आर्थिक उन्नति का दौर जारी है। नई कार्य योजनाएं लाभदायी होंगी। शासन सत्ता व अधिकारियों का सहयोग मिलता रहेगा, मगर कुछ कामों में रुकावट हो सकती है।
व्यावसायिक विवाद और उलझने संभावित हैं। अनावश्यक यात्रा, आर्थिक लाभ में उतार चढ़ाव, स्वास्थ्य संबंधी जटिलताएं और मन में नकारात्मक विचारों का उतार चढ़ाव भी संभव है। वाहन धीमे और सावधानी से चलाएं। विद्यार्थियों को अध्ययन अध्यापन में सफलता मिल सकती है, प्रयास जारी रखें और नकारात्मक विचारों वाले व्यक्तियों से दूरी बनाकर रखें। मीन राशि वाले जातकों के लिए आज का दिन अनुकूल रहेगा। कार्य योजनाओं में चल रही रुकावटें दूर होंगी और सरकारी कामकाज पूरे होंगे। आर्थिक लाभ के लिए सहयोग बना हुआ है। निजी निवेश के लिए आज का दिन अनुकूल रहेगा। पारिवारिक सदस्यों की सलाह पर अमल करें, लाभ मिलेगा। साझेदारी के मामले आज के लिए अनुकूल रहेंगे। निजी संबंध प्रगाढ़ होंगे। शिक्षा प्रतियोगिता में प्रयास जारी रखें। संतान संबंधी चिंता में कमी आएगी और वैवाहिक प्रयास फलीभूत होंगे। साथ ही स्वास्थ्य संबंधी सावधानी बनाए रखें और खान पान को संतुलित रखें। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे। ओम नमः शिवाय।